टॉपिक विराज हमने डिस्कस करना था लास्ट टाइम बेटा, ऑप्टिकल मिराज। ऑप्टिकल मिराज जो है बेटा, जहाज वाला मिराज नहीं है ये, है किस गाड़ी में? नहीं वो तो है ही है, आपके इंडिया में एक फाइटर जेट है उसका नाम मिराज 2000 भी है, तो आई वाज थिंकिंग कि आप उसकी बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं और करवा रहा हूँ आपको एप्लीकेशंस। ऑप्टिकल मिराज जो है बेटा, इट इज ए सॉर्ट ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन जिसकी वजह से डेजर्ट एरिया में स्पेशली एनिमल्स को लगता है कि देर इज ए पूल ऑफ वाटर, और उस पूल ऑफ वाटर में इमेज किसी बुश का या और चीज का बना हुआ है, एंड दे इन सर्च ऑफ वाटर रश टूवर्ड्स दैट इमेजिनरी पूल ऑफ वाटर, बट देर इज नो पूल ऑफ वाटर। व्हेन दे रीच ओवर देयर इट अपियर्स दैट द पूल ऑफ वाटर इज स्टिल अहेड, दे स्टिल रश फॉर द सर्च ऑफ द वॉटर इन द सर्च ऑफ द वॉटर, एंड अल्टीमेटली ड्यू टू दिस कॉन्टिन्यूड रनिंग एंड वेरी 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 वार्म कंडीशन, समटाइम्स दे लूज देयर लाइफ ऑल्सो। सो ये आपका डेजर्ट एरियाज में नोटिस किया जाने वाला बेटा एक ऑप्टिकल मिराज इल्यूजन है। असल में होता क्या है, आइए बेटे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। जब बहुत ही ज्यादा इंटेंस हीट डेजर्ट एरिया में पड़ता है, सैंड एकदम से बेटा डे टाइम में हाई टेम्परेचर अटेन कर लेती है, और उसकी वजह से जो एयर इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड है, सैंड है, ज्यादा हीट कंटेंट की वजह से बेटा एयर एक्सपेंड करेगा। जब एयर एक्सपेंड करेगा, अब एयर बेटे सैंड के नीचे तो जा नहीं सकता, नीचे तो ब्लॉक्ड है, तो आपका जो एयर है इट विल राइज अप। ये जब अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेगा, देन एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाकर आप ये देख लीजिएगा कि एयर की जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे जैसे आप टॉप की तरफ जा रहे हैं उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और लोअर हाइट्स में जो डेंसिटी है एयर की दैट इज वेरी लेस। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे एयर ज्यादा डेंस है, यहाँ पे एयर जो है इट इज रेयरर इन कंपैरिजन टू दैट हाइट बेटा। एयर अगर यहाँ पे ज्यादा है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स न्यू कम होगा, न्यू यहाँ पे हाई है एंड हेयर एट द बॉटम न्यू लेस है। इमेजिन कर लीजिए फर्दर मोर दैट बेटा कि यहाँ पे डेजर्ट एरिया में कोई स्मॉल बुश टाइप ऑफ ट्री जो है, कैक्टस टाइप ऑफ कोई प्लांट है, ये प्रेजेंट है। इसके टॉप से जो रेज ऑफ लाइट हैं, ये ज्यादा डेंस एयर है, इसके टॉप से जब रे ऑफ लाइट इधर चलेगा, इधर स्पेशली देखिएगा, तो ये रे ऑफ लाइट बेटे जो है डेंसर टू द रेयर मीडियम आ रहा है, ये बेंड करता चला जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अपने पाथ से डिविएट करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता ही चला जाएगा, और एक स्टेज आएगी जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा या उसके बराबर हो जाता है। उस स्टेज पे इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और आप फील करेंगे कि यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, तो हेयर मस्ट बी सम अमाउंट ऑफ वॉटर, इसका इमेज आपको यहाँ पूल ऑफ वॉटर में हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ इमेज जो है ये अपीयर हो जाता है। और यहाँ पे वो जो पर्सन है वो इसको देख रहे हैं, उनको पानी जहाँ पे मिल जाता है कि दिख रहा है कि मे बी पानी की प्रेजेंस है, और इन दिस वे बेटा ये मियरली एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, अदरवाइज इन रियलिटी यहाँ पे कोई वाटर नहीं है। इस पर्टिकुलर बेटा जो आपका इल्यूजन है इसी को ऑप्टिकल मिराज बोल दिया जाता है बेटा। कई बार
हम बेटे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में एक अदर टाइप ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन भी फेस करना पड़ जाता है, जो आपके नॉर्दर्न या साउदर्न रीजन्स में बहुत ही कोल्ड रीजन्स हैं, एरियाज हैं, कोस्टल एरिया हैं स्पेशली, वहां पे आइए अब उल्टा इसके मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल जब आप बेटे कोल्ड कंडीशंस की बात कर रहे हो कोस्टल रीजन्स में, नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब की तरफ अगर आप देखें, तो यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए ये सारा सी है, और कई बार सी में जो शिप हैं ये बेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं, ये ट्रैप हो जाते हैं ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ द आइस और द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू आइस ड्यू टू द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। अब होगा क्या बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, एयर जो इस फ्रोजन सी के साथ कांटेक्ट में आएगी, एयर का टेम्परेचर काफी ज्यादा ड्रॉप कर जाएगा, एयर ज्यादा ठंडी हो जाएगी, आप सिंपल लैंग्वेज में कह लीजिए। अगर एयर बेटा काफी ज्यादा लो टेम्परेचर पे आ जाएगी तो उसका कंडेंसेशन या उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो एयर यहाँ बिल्कुल पास पास है सी की सरफेस के उसकी डेंसिटी बढ़ गई, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो डेंसिटी कम होती जा रही है, और यहाँ पे ये शिप प्रेजेंट है, और बच्चों शिप से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकला, और भी बहुत निकल रही होंगी, हम एक ही बात कर रहे हैं, ये डेंसर टू द रेयर मीडियम जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, नीचे डेंसिटी ज्यादा है, डेंसर टू द रेयर मीडियम जाएगा, अब ये बैंड करता चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा, और एक स्टेज आएगी जिस स्टेज पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे जो लोग इसको देख रहे हैं इस कोस्टल रीजन में, मान लीजिए आप ही वहां पे गए हुए हैं छुट्टियों में, और आपको लगेगा कि ये जो शिप है ये ऐसे स्काई में उल्टा है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन। ये बेटा कोस्टल रीजन में जहां पे टू मच अकमुलेशन ऑफ आइस ड्यू टू एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस हो जाया करता है, वहां पे नोटिस किया जाता है। एंड स्टिल वी हैव वन मोर एप्लीकेशन बेटा, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स बेटा, आइए देखें समझे इसको भी, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, और इस पीरियड में जब आपका आप घर से ही सारा काम कर रहे थे पढ़ने वाला और अपने एग्जाम्स वाला, ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल डिवाइसेस आपने जरूर सुना होगा रिपीटेडली, इंटरनेट कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर वाला लोग प्रेफर करते हैं, स्पीड कहते हैं कि बहुत होती है जी इसकी, है ना बेटा, कुछ ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। आइए मैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊं। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बेटे प्योर ग्लास का बना हुआ आपका एक बेटा चैनल है, और अगर आप को और इसके बारे में ओवरव्यू दे दूं तो ये बेटे कुछ इस तरीके का एक ऑप्टिकल फाइबर का केबल है, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके का, ये सारे का सारा मैं आपको काफी मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज आपने अगर घर पे उन दिनों में अपना ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन लगाया होगा तो आपने वो जो टेक्निकल पर्सन आते हैं उनको सुना होगा, वो कहते हैं कि इसको वायर को एकदम से फोल्ड नहीं करना, इसको राउंड 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 कर लो कोई बात नहीं है, एकदम से जैसे ये फिटिंग हुई हुई है कि पहले ये इधर गया पाइप फिर एकदम से इधर चला गया, ऐसे नहीं करना, थोड़ा इसको गोल गोल ही रखना है। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर हाई क्वालिटी प्योर ग्लास होता है, अगर आप एकदम से बेंड कर दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, और अगर ब्रेक हो जाएगा तो वहां पे आपके सिग्नल का लीकेज स्टार्ट हो जाता है और आप अपना सिग्नल प्रॉपरली अटेन या ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। सो आइए देखें थोड़ा और आपको बता दूं, ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर बेटा प्योर ग्लास है, ये बड़े ध्यान से समझिएगा सुनिएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर पे 1.50 के करीब करीब, ग्रेडेड ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा हूँ, स्टेप वाले की नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप साइड की तरफ जाई जा रहे हो, ये जा रहे हो ना साइड की तरफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रही है, यहां से लेकर जब आप ये इस एंड तक पहुंचे
यहां से यहां तक आते आते आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 रह गया, सेंटर पे मैक्सिमम था, जैसे जैसे साइड्स पे जा रहे हो ये कंटिन्यूअसली बेटा कम हो रहा है, और ऑप्टिकल फाइबर को, प्योर ग्लास को बाहर के सिग्नल्स से बचाने के लिए आप इसके राउंड अबाउट एक प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं, कवरिंग कर देते हैं, जैसे आप अपनी वायर के ऊपर, कॉपर की वायर आपकी घर में लगी होती है उसके ऊपर आपने बेटे ब्लैक कलर की कोटिंग की होती है, प्लास्टिक की, रेड कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। अगर हम इसको प्लास्टिक से कोट नहीं करेंगे तो बाकी सिग्नल्स भी इसमें एंटर करने का डर रहता है, और सबसे बड़ी बात इसके टूटने का डर रहता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होती इतनी। अब इमेजिन करिएगा, सारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, आपने अपना सिग्नल यहां से भेजा ऐसे, ठीक है जी, इस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह दोगे, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, ये आपका आप देखिए रे इधर जा रहा है, रे डेंसर टू रेयर जा रहा है, यहां पे आपका रे कॉन्टिन्यूसली इसका रिफ्रेक्शन होता चला जाएगा टोटल इंटरनल, और ये कुछ इस तरीके से अपने आप को सिग्नल एडजस्ट करता चला जाएगा, चाहे आप यहां से एक केबल लेकर अमेरिका तक ले जाइए, ये आपका सिग्नल इस तरीके से ट्रेवल करता 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 वहां पे पहुंच जाएगा, और इन दिस वे ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हुआ करती है, इसीलिए आपको बड़ी गुड स्पीड मिल जाती है अपने इंटरनेट कनेक्शन में भी। और बच्चों, एक ऑप्टिकल फाइबर की केबल को दूसरी केबल के साथ कनेक्ट करने के लिए भी वो स्पेशल टूल आते हैं, ऐसे नहीं पकड़कर जोड़ नहीं लगा देते जैसे तार जोड़ देते हैं, वहां पे उनके पास एक मशीन सी होती है, वो इसको ऐसे करके कुछ टेम्परेचर कर करके कुछ ऐसे करते हैं, सो दैट इज जस्ट कि अगर आप इन करेक्ट वे से कनेक्ट करोगे तो आपका जिस जगह पर आपने दो केबल्स को कनेक्ट किया है वहां पे आपका एक तो लीकेज होगा सिग्नल का, और सेकेंडली यहां से एक्सटर्नल नॉइस एंटर करेगा और वो आपके सिग्नल को नॉइस के साथ लेस कर देगा और आपके सिग्नल में नॉइस एंटर कर जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए स्पेशल वे में कनेक्टिंग किया जाता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ योर ऑप्टिकल इल्यूजन्स और ऑप्टिकल फाइबर और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटे। हाँ जी बेटे, ये आपके कंट्री के ही कोई फॉरन गए हुए थे, उन्होंने बनाई थी। हाँ जी, मे बी, यस यस यस, तो ये तो काफी पुरानी बात है, और आइए चलें आगे। यू कैन आल्सो डू वंडर्स, एक कंसिस्टेंस की जरूरत होती है। हाँ बेटा, मैं लिसन, बेटे लिसन, मैं आपको वैसे बात करना चाहता नहीं था, अब आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। ये ऑप्टिकल फाइबर दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रेडेड इंडेक्स, एक होता है स्टेप इंडेक्स। ग्रेडेड इंडेक्स में ये है कि ये आपका सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर है, यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है ग्लास का कंसेंट्रेशन, जैसे जैसे आप साइड की तरफ जा रहे हो ये कम हो रहा है, आपने इसको बनाया ही ऐसे है कि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेगुलरली फॉल कर रहा है, रेगुलरली। एक तो इसको बोल देते हैं ग्रेडेड। स्टेप इंडेक्स में होता है ये कोर आपका 1.50 का है सेंट्रल पार्ट, इसके बाहर एक और है इसको बोल देते हैं क्लेडिंग, ये 1.5 का, ये 1.48 का, यहाँ पे शार्प बाउंड्री है दोनों में, इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है, ठीक है जी, तो इसको बोल देते हैं स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें सेंट्रल पार्ट ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का है, सेंट्रल पार्ट का अगला पार्ट कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का है, लेकिन दोनों में शार्प बाउंड्री है, इसमें शार्प बाउंड्री नहीं है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लगातार रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, व्हेन इट विल बी रीचिंग 1.48 वैल्यू, कुछ ऐसा ये आपका डिजाइन किया जाता है। कुछ आप इसमें ग्लास को अरेंज ही ऐसे करते हो कि ये इस तरीके का बन जाए बेटा। चले आगे गुड़िया, इसके बाद हमारे पास है बेटा रिफ्रैक्शन फ्रॉम
स्फेरिकल सरफेसेस बेटा। बेटे आप लोगों ने लेंस 10th क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, वो मैं बाद में करूंगा। लेंस से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक प्योर ग्लास का बना हुआ सरफेस है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ये सारा प्योर ग्लास है, ये इधर एयर है, एयर, और ये बच्चों आपका ग्लास है। ये सरफेस आउटवर्ड जो है ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स आउटवर्ड है, और ये जो कन्वेक्स आउटवर्ड सरफेस है इसके सेंटर पे आपने ये एक लाइन डियर चिल्ड्रन ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। ये आपका जो लाइन है बेटा इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बेटा। और ये बेटे आपके पास पोल आ जाएगा बच्चों, आपको समझाने के लिए मैं ये बना रहा हूं डायग्राम फर्दर, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। अगर मैं इसको स्फीयर को देखूं गुप्तर जी, ये देखिएगा ये कुछ इस तरीके का स्फीयर हो जाएगा लगभग। इसका सेंटर बच्चों यहां पे आ जाएगा, इसको मैं नहीं बना रहा हूं ठीक है जी। इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया, आपको आता है, बहुत खुशी हो रही है ये जान के। यहां पे आपने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट ठीक है, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट आपने प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया। यहां से एक रे तो आपका जा रहा है ऐसे, ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। इट विल डियर चिल्ड्रन गो अनडिविएटेड, है ना, पीछे है। क्या कर रही है? अच्छा है, मैंने सोचा अपना नाम बता रही है, भव्या, आई रिमेम्बर दैट। यहां से आपका इंसिडेंट रे जा रहा है ऐसे बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां पहुंच गया पुत्र जी इधर। इस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और मैं इसको मान लीजिए ए कह देता हूं। यहां पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाए, अब किन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, मैं किन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं? अरे डियर चिल्ड्रन, सी और ए को ज्वाइन करोगे तभी नॉर्मल बनेगा, बनेगा ना। ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन कह दें, इसको म्यू टू कह दें, और म्यू टू आपका म्यू वन से बड़ा है। रेयर एयर टू डेंसर, रेयर एयर टू डेंसर टुवर्ड्स अ नॉर्मल, बहुत बढ़िया। ये आपका टुवर्ड्स अ नॉर्मल इधर आ गया जी। तो ये देखिए यहाँ पे रेज असल में मीट कर रही हैं, क्यों नो क्यों, एक इधर से असल में मीट कर तो रही है ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा, रियल रियल बनेगा, वर्चुअल तो नहीं ना बनेगा। थोड़ा सा जरूरी काम है, देख लीजिए पहले, बाद में आपको टाइम दे देंगे, आप अपनी बात बता देना, हम अपनी बात कह देंगे। इमेज बन गया यहां पे बच्चों, इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको बोल दिया हमने एम। जरा ध्यान से देखी जाइएगा, अब बेटे स्केल स्कूल की जरूरत नहीं होती, फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं ऐसे, आप इसमें फंस जाओगे, फ्री हैंड ऐसे ही। ये एंगल आपका एंगल अल्फा कहलाता है, आप इसको जनरली अल्फा कह देते हैं, और ये एंगल को आप एंगल बीटा कह देते हैं। अरे नहीं, इक्वल नहीं है। ये एंगल को आप एंगल गामा कह देते हैं, अल्फा बीटा गामा ठीक है। उत्तर आप इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगवाइए, इस पॉइंट पे,
उठ जाइए जरा, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगवाइए, लगवाइए किसके बराबर है म्यू, कौन सा वो वाले, एक ये एक वो है, कौन सा लगाए, टू नीचे वन ऊपर, वो कहता नहीं वन नीचे टू ऊपर। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे हमने ऑलरेडी बेटे कर रखा है हम वैसे ही करेंगे, कोई डिफरेंट नहीं है, जो रूल है उसी के हिसाब से चलेंगे। ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू विच द रे इज एंटरिंग, फ्रॉम विच इट इज एंटरिंग, इट इज साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, राइट बेटे। और बच्चों एंगल्स बड़े छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते ये, और हम इसको डियर स्टूडेंट्स म्यू टू अपॉन म्यू वन को आई अपॉन आर बी लिख सकते हैं, साइन छोड़ देते हैं, एंगल बड़े छोटे हैं, अगर एंगल छोटा हो तो साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू टेन ऑफ द एंगल एंड इज इक्वल टू सिंपली एंगल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी विल गेट म्यू टू इंटू आर इज म्यू वन इंटू आई, इधर मोहक एंगल आई किसके बराबर है यहां से देख के बताओ, ट्रायंगल ओ ए सी इसमें एंगल आई किसके बराबर है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स बेटा, ये बाहर वाला एंगल है, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, आपका एंगल आई जो है अल्फा प्लस गामा हो गया है, राइट आएगा आएगा, चिंता मत करो बेटा। बच्चों इधर देखो, ये ए आई सी ट्रायंगल में देखिएगा, बाहर वाला एंगल अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर, मतलब आपका जो गामा है आर प्लस बीटा हो गया, और आर कितना हो गया गामा माइनस बीटा, आपको आई मिल गया आपको आर मिल गया, यहाँ पे यूज कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा म्यू टू इंटू आर, आर इज गामा माइनस बीटा, म्यू वन इंटू आई गामा कर दें, एंगल्स बड़े छोटे छोटे हैं, ये इनके टेंजेंट के साथ रिप्लेस किए जा सकते हैं, म्यू टू टेंजेंट ऑफ एंगल गामा टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा, म्यू वन टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा टेंजेंट ऑफ एंगल गामा, भी गामा और नहीं, ठीक है। आइए देखें, सोचें, आगे चलें, राधिका क्या कह रही है, टेन गामा, अरे बच्चों म्यू टू टेंजेंट ऑफ एंगल गामा देखिए ए एम अपॉन एम सी, और टेन बीटा ए एम अपॉन एम आई, इट इज म्यू वन टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा ए एम अपॉन ओ एम अल गामा ए एम अपॉन एम सी, कैसा है ए एम ए एम ए एम ए एम कट गए, पॉइंट एम पॉइंट पी के बिल्कुल नजदीक है, तो जिस जिस जगह पर एम है मैं एम को पी से रिप्लेस कर दूंगा, नियर बाई है, आपके पास आ गया म्यू टू अपॉन वन बाई पी सी माइनस वन बाई पी आई, इट इज म्यू वन अपॉन वन बाई ओ पी वन बाई अरे पी सी ओ पी नहीं, राइट, जहां जहां पे एम था वहां वहां पे एम की जगह पे पी लिख दिया, कुछ नहीं खास किया हमने। अब आइए वैल्यूज पुट करके देखें बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ध्यान दो बेटा,
ओपी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पी से लेकर आई तक ये आपका इमेज डिस्टेंस है, पी से लेकर सी तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पीसी वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, बिना पीसी वाली एक तरफ कर लो। ये म्यू टू ध्यान दीजिएगा, म्यू टू अपॉन पीसी, इधर से उसको उठाओ पीसी को, इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन ओपी। कर दें ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं। एक मिनट, जैसे हम साइन कन्वेंशन लोअर क्लासेस में पढ़ते थे वही यहां पे भी हैं। ऑल द डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। दूसरी बात, डिस्टेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आर टेकन एज अ पॉजिटिव, डिस्टेंसेज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आर, डिस्टेंसेज परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड, परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड। आपको कितने अच्छे से आता है। सो म्यू टू अपॉन पी, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी इकट्ठा करके लिख दिया मैंने बेटा ये, ठीक है जी। म्यू वन अपॉन ओ पी, म्यू टू अपॉन पी आई, तो लिखवाएंगे अब आप इनकी वैल्यूज बेटा। म्यू टू माइनस म्यू वन, पी सी किसके बराबर है जी, प्लस का के माइनस का, माइनस का के प्लस का, बढ़िया। म्यू वन अपॉन ओ पी, यू के माइनस यू, माइनस यू के प्लस यू, पक्का माइनस यू क्यों, इधर है उधर नहीं है, इधर है। जब आप मेरी बात सुनिए, आप पोल पर खड़े हो, आपने पोल पे अपना मीटर रॉड रखा या मेजरिंग टेप रखा, आप डिस्टेंस मेजर करने इधर जा रहे हो, लाइट इधर से आ रही है, आप अपोजिट नहीं जा रहे, जा रहे हैं, दैट्स वाई नेगेटिव। सो माइनस यू आ जाएगा, ये प्लस है, म्यू टू अपॉन पी आई बच्चों देखिएगा, ये वी आ गया बेटे। सो डियर डियर चिल्ड्रन, जब आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है इस सरफेस से, तो आप लिखोगे माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। किस केस का एक्सप्रेशन है, हेडिंग नहीं लिखा था हमने इसका, नोट करिएगा। अरे नहीं 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 भाई नहीं, इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बेटा ऑब्जेक्ट इन द रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, ठीक है जी, एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड द सरफेस इज कन्वेक्स स्फेरिकल आउटवर्ड्स। आपने ऑब्जेक्ट बेटा रेयरर मीडियम में रखा, सरफेस आपका कन्वेक्स आउटवर्ड है, इमेज कैसा बना, रियल। जरूरी नहीं हर बार रियल बने, वर्चुअल भी बन सकता है। आप बता सकते हो वर्चुअल कब बनेगा, है? जब आप अपना ऑब्जेक्ट पास ले जाओगे तो वर्चुअल बन जाएगा। आपको बना के दिखा देता हूं, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा घर पे। हाँ जी, एक मिनट लूंगा आपका, और ज्यादा टाइम नहीं मैं लेना चाहता, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास अगेन कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बेटा, उत्तर आपने ऑब्जेक्ट नजदीक रख दिया, रे चला गया, डेंसर टू रेयरर, यहाँ पे आपका सी था, ये नॉर्मल है, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे चला गया। इसको रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लीजिए, आपका इमेज यहाँ पे बन जाएगा, ये आपका अल्फा,
ये आपका बीटा, ये आपका गामा, ये आपका ए, ये आपका एम, ये आपका आई, और आर कहाँ गया? ये राइट है ना। यहाँ पे आपकी रेज असल में नहीं मिल रही है, दे जस्ट अपीयर टू मीट। ये केस हम अदरवाइज कल डिटेल में करेंगे। इफ यू फाइंड टाइम इसको जरूर करके देख लीजिएगा, रिजल्ट आपका सेम ही आ जाएगा। अगर आप कर सकती हो तो जरूर करना ऐसे। हाँ जी, एनलार्ज, यस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट वेट कर लीजिएगा। जब आप खुद इन द इंटीरियर ऑफ वाटर हो, आपको बाहर अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं एनलार्ज लगेंगे, बाहर वालों को अंदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे मे अपीयर स्मॉल। ठीक है जी, ये बेटे एक केस ट्राई कर लीजिएगा। ऐसे हमारे टोटल 6 केसेस हैं। इसके बाद वी विल बी कमिंग टू द लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, वहां तक आके मैं बंद कर दूंगा। देन वी विल कम बैक टू अवर रिविजन पार्ट। थैंक यू ऑल बेटा। हाँ जी।